आजमाइश का कोई लिमिट है कि नहीं है? जैसे कोई कह सकता है भाई लिमिट क्या है, कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आजमा सकता है? हमारे अंदर जितना दीन होगा उतनी ही आजमाइश आएगी, मतलब हम ज्यादा दीनदार होंगे तो ज्यादा आजमाइश आएगी। ये बात भी समझ में आने वाली, मैंने शुरू में कहा जितना ज्यादा हम दीनदार होंगे उतनी ज्यादा आजमाइश आएगी। क्यों? अल्लाह हमें दुनिया के अंदर ही पाक साफ करना चाहता है। एक सहाबी रसूल साद ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल हजरत साद ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नास अशद्दु बलाअन, लोगों में से कौन लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मुसीबत में मुब्तला किए जाते हैं, कौन से लोग ऐसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबिया, قال الانبياء, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अंबिया गलती करते हैं? नहीं। आजमाइश बहुत ज़्यादा आती है, इम्तिहान बहुत होता है, इतनी ज़्यादा आजमाइश होती है कि निगाहों के सामने बेटा डूब रहा है, अल्लाह कह रहा नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ना, ख़त्म, आप कुछ नहीं कर सकते। निगाहों के सामने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तूने कहा था बचाऊंगा तेरे अहल वालों को, अल्लाह ने कहा नहीं तेरे अहल का नहीं है, जो रब को ना माने वो तेरे अहल का नहीं हो सकता है, दोबारा ऐसा कहना नहीं वरना आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। आजमाइश, मोमिन है, अल्लाह की तरफ से नबी बनाए गए, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटा सा बच्चा है, कहाँ रखते हैं उसको? बिल्कुल एयर कंडीशन में, छोटा सा बच्चा, बीवी, चहेती बीवी ले जा करके एक जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। जंगल तो रेगिस्तान कुछ है ही नहीं, सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। जो सऊदी अरब गए जानते कितनी गर्मी होती है वहां पर, कुछ भी नहीं है, जा करके छोड़ के आ रहे हैं। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। कितनी बड़ी आजमाइश। जब बीवी ने पूछा अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह का हुक्म है, तो कहा अल्लाह फिर हमें रुसवा नहीं करेगा। बीवी का भी कितना यकीन है अल्लाह पर, कुछ भी नहीं कहा चले आए छोड़ करके, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया, पैदा उसने किया तो हिफाजत भी वही करेगा, पैदा जब उसने किया हिफाजत भी वही करेगा। आजमाया और आजमाइश में मुकम्मल कामयाब, मुकम्मल कामयाब निकले। आप सबकी जिंदगी उठाकर देख ले, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी जिंदगी तो आजमाइश में ही गुजर गई। देखें जगह जगह आपको आजमाइश, कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी, कितने अकवाल मिलते हैं अल्लाह के नबी के बारे में। तो अंबिया जो होते हैं उन पर ज्यादा मुसीबतें आती हैं, सुम्मल अम्थल फल अम्थल, फिर उसके बाद के लोग सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, फयुबतल रजुल अला हस्ब दीनिही। ये असल पॉइंट है, आदमी जैसा दीनदार होता है उसी एतबार से आजमाया जाता है। बाद सहाबे कराम या बाज ताबईन, बाज शुर्राए हदीस ने लिखा है कि बाज लोग जब उनकी जिंदगी में आजमाइश नहीं आती तो टेंशन में आ जाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दीन पर नहीं हूं, क्योंकि आदमी जब दीन पर होगा तो आजमाइश आएगी ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिल के अंदर निफाक आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ईमान में कुछ गड़बड़ी आ गई। हंजला का वाकया उठा के देख ले कि हंजला को अपने ईमान की फिक्र है कि रसूल के सामने शायद मैं झूठे तौर पर रो रहा हूं, शायद मेरे ईमान में कुछ गड़बड़ी है, शायद ये ईमान अल्लाह को पसंद नहीं है कि जो नबी को दिखाने के लिए रोता है और घर पे पहुंच के हंसता है। उनको टेंशन हो गया अपने ईमान के बारे में, हम तो कोई फिक्र नहीं, हम तो राशन कार्ड वाले मुसलमान बने बैठे हैं, हम पासपोर्ट वाले मुसलमान हैं, क्या टेंशन है, रब के पास सिर्फ पेश कर देंगे कि फलां सिलसिले से हमारा ताल्लुक था, कामयाब हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं चलने वाला है। मन बत्ता भी ही अमल हूँ लम यूसर अब ही नसब, जिस किसी शख्स को उसका अमल पिछाड़ दे, जिस किसी शख्स को उसका अमल पिछाड़ दे तो हसब व नसब उसको कभी आगे नहीं कर सकता है। ऊंचे खानदान का होना, खूबसूरत होना, जमाल होना, कमाल होना, ओहदा होना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, प्रधानमंत्री बन करके बड़ा आदमी बन जाना, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि उसके पास अमल ना हो। अमल नहीं, कितना बड़ा भी अमीर ना हो कोई वकात नहीं अल्लाह के नज़दीक उसकी, लेकिन अमल है तो काला कलूटा आदमी क्यों ना हो, काला कलूटा एकदम, लोग देख करके ना पसंद करो, शादी का रिश्ता कैंसिल हो रहा है लेकिन नबी का हुक्म हो रहा है, लोग शादी के लिए तैयार हो गए, जन्नती। बिलाल अमल की बिना पर मंजिलत, मकाम, रिफात मिलती, उसका मकाम बढ़ जाता है।
जब आदमी में दीन आता है तो तमाम चीजें बर्दाश्त के लिए तैयार। बिलाल के ऊपर कितनी मुसीबतें हैं, आई कि नहीं आई मेरे भाई, हमेशा आप वाकई सुनते हैं। कोई ऊंचे खानदान के थे, वो गुलाम थे, खरीदा बेचा जाता था, और मकाम कितना बड़ा मिल गया, जन्नत में रसूल ने देख लिया उनको, मेराज में गए वहां पर जन्नत में दिख गए। तो मकाम और मर्तबा कैसे मिलता है, रब को राजी करने के बिना पर। आदमी को उसके दीन के एतबार से आजमाया जाता है। فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ। अगर आदमी का दीन उसके पीठ में होता है, आदमी का दीन उसके कल्ब में होता है, तो कल्ब के एतबार से आजमाइश होती है, लेकिन ऊपर ऊपर वाला दीन होता है तो उसी के एतबार से आजमाइश होती है। जैसे मैंने मुनाफिक का वाकया सुनाया कि हल्का सा बुखार आया, कहा मोमिन नहीं बनूंगा, छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो चंद रोज नमाज पढ़ेंगे, नहीं जम रहा है, फुला मेरे माल के अंदर नुकसान हो गया, ऐसे लोग जो होते हैं, या ऐसी माएँ बहनें होती हैं थोड़ी सुधर जाएंगी, हिजाब पहने थे लेकिन मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ा रही हैं, छोड़ देते हैं। दाढ़ी बढ़ाए, लोग कह रहे देखो मुल्ला बन गया है, छिला दिया। ऐसा भी करते हैं लोग। आदमी अपने दीन के एतबार से आजमाया जाता है, अपने दीन के एतबार से उसकी आजमाइश होती है। तो आजमाइश बकदरे दीन होती है।